नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपको आपके पाठ का पहला अंश मंगलम पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। इस पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ जानना है और उन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी करना है। और इन सारे से इस पाठ में क्या बताया गया है यह जानने का अभ्यास करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ का उच्चारण, पढ़ने की कला। तो आइए साथ में बोलिए, अहम् नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरं स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं चलामि नीति सत्पथे चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथां प्रभुं नमामि सादरं अहं नमामि मातरं अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरं। यह थी आपकी पहले पाठ की संस्कृत कविता। तो आइए एक-एक शब्द का अर्थ जानते हैं। अहम् नमामि मातरम्, मैं माता को प्रणाम करता हूँ, माता को नमस्कार करता हूँ। गुरुम् नमामि सादरम्, मैं गुरुजनों को सादर आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, मैं हमेशा स्वयं से अपने आप पढ़ता हूँ। प्रियं वदामि सर्वदा, मैं हमेशा मीठा बोलता हूँ, मधुर बोलता हूँ। हितं करोमि सर्वदा, मैं हमेशा हित करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों का परोपकार करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ। शुभम करोमि सर्वदा, मैं हमेशा अच्छे अच्छे काम करता हूँ, कभी बुरे काम नहीं करता। विभुम नमामि सादरम, मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो हर जगह व्याप्त है, ऐसे विभु उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ। चलामि नीति सतपथे, मैं हमेशा नीति के सतपथ पर चलता हूँ, नीति अर्थात अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता हूँ। हरामि मातृभूव्यथां, मैं इस मातृभूमि के, ये मातृभू है जो हमारी माता है यह पृथ्वी, इस पृथ्वी की जितनी भी व्यथा है, जो इस पृथ्वी का दुख है, मैं उस दुख को हरता हूँ। इस पृथ्वी का दुख है, यह प्रदूषित हो रही है, इसमें बहुत प्रकार की आपदाएं आती हैं, तो हम इसको प्रदूषित नहीं करेंगे, हमेशा जल उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी आवश्यकता है, बिजली उतनी ही प्रयोग करेंगे जितनी आवश्यकता है। इस प्रकार से इस पृथ्वी की व्यथा अर्थात इस पृथ्वी के दुख को हरण करता हूँ। दधामि साधुता व्रतम, मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ, मैं सज्जन बनूंगा, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, हमेशा अच्छे अच्छे काम करूंगा, इसी को कहते हैं साधु। अच्छा, मैं साधुता का व्रत धारण करता हूँ। वह व्रत क्या है? यह संकल्प लेना, यह प्रतिज्ञा करना कि मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा, मैं इस बात को
धारण करता हूँ, इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। सृजामि कीर्ति सत कथाम, मैं हमेशा ऐसा ऐसा सृजन करूंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा, कैसा निर्माण करूंगा कि जिससे मेरा यश, मेरे माता पिता का मान बढ़े, मेरे गांव का नाम हो, मेरे प्रदेश का नाम हो, मेरे गुरुजनों का नाम हो, मेरे विद्यालय का नाम हो, मेरा नाम बढ़ता जाए, मैं ऐसा काम करता जाऊंगा। इसी को कहते हैं सृजामि कीर्ति सत कथाम, अच्छी अच्छी कथाएं मेरे बारे में लोगों में जाएं, मैं ऐसी ऐसा सृजन करूंगा, ऐसा काम करूंगा। प्रभुम नमामि सादरम, इसलिए हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि मातरम, इसलिए हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह था इस कविता का अर्थ। इस कविता में यह बताया गया है कि मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ, मैं हमेशा अच्छा बोलूंगा, मैं हमेशा स्वयं से पढ़ूंगा, मैं कभी पढ़ने से भागूंगा नहीं, मैं हमेशा परोपकार करूंगा, मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा, मैं अपने भगवान को नमस्कार करता हूँ और मैं गुरुजनों का नमस्कार करता हूँ, मैं हमेशा अच्छे मार्ग पर चलूंगा और इस धरती का दुख हर लूंगा, इस धरती के दुख को दूर करूंगा और हमेशा अच्छे बने रहने की कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे काम कर करके अपना नाम बढ़ाऊंगा। इसलिए हे माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यह कविता आपके पाठ्य पुस्तक से बताई गई, जिसका शब्द सह अर्थ और भावार्थ आपको बताया गया। आप इस पाठ को पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा और अच्छे से परीक्षा दे करके पास होइएगा, यह मेरा आशीर्वाद है आपको। तो आज की कक्षा यही विराम करते हैं। नमस्कार।